नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शाइना शर्मा। स्वागत है आपका ट्राई सिटी न्यूज में। और आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सिटी ब्यूटीफुल को इसकी हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन अब आपको बता दें कि इस सिटी की हवा भी जहरीली हो गई है। मेट्रो शहरों की तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर भी साल दर साल पुराने सभी रिकॉर्ड। और बड़ी खबर की आपको बता दें कि मौसम विभाग का ये भी कहना है, अनुमान है कि जब सालों में शहर की हवा सबसे ज्यादा खराब हुई है। 2015 से पहले AQI 300 से ऊपर नहीं गया था, लेकिन 2016 में AQI लगातार बढ़ रहा है। 2018 में तो AQI 900 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी थी। यही हाल रहा तो अगले कुछ दिनों बाद घर से मास्क पहने बिना नहीं निकल सकेंगे। मंगलवार को सेक्टर 17 का AQI 130 दर्ज किया गया, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया का 172 रहा। ऐसा माना जा रहा है कि 15 जून के बाद हवा जहरीली हो जाएगी। चंडीगढ़ में वाहनों की संख्या कभी इतनी नहीं हुई जितनी वर्तमान में है। हर 2 से 2.5 महीने में 15,000 नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट और डीजल से चलने वाली सवारी गाड़ियां जमकर जहर उगल रही हैं। इस वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वाहनों की बढ़ती गति पर रोक नहीं लगाई गई तो कुछ सालों बाद खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ चंडीगढ़ के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन भी हवा जहरीली कर रहे हैं। शहर में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर एक्शन प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत चरणों में प्रदूषण लेवल को नीचे लाया जाना है। हवा को साफ करने के लिए सभी राउंड अबाउट पर पानी के फुहारे लगाए जाने हैं। वाहनों को डिवर्ट किए जाने का प्लान है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल को भी ट्रैफिक सेंस सिस्टम से ऑपरेट किया जाएगा। ये प्लान तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया। मंगलवार रात को ईद का चांद दिखाई दिया, जिसके बाद आज पूरे ट्राई सिटी में ईद का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। चांद दिखते ही मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। नमाज आज की सुबह पढ़ी गई और गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। एक महीने के रोजे खत्म होने के बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। मंगलवार शाम को नया चांद नजर आने पर आज ट्राई सिटी में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दिन नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं। वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 20 की मस्जिद में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मनी माजरा में भी लोगों में ईद को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में लोग आज के दिन घर से निकलकर परिवार के साथ ईद मनाने मस्जिद पहुंचे। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर समस्या समाधान टीम के सदस्यों ने वॉक फॉर नेचर एंड एनवायरमेंट अवेयरनेस ड्राइव का आयोजन किया। इस दौरान सुखना लेक पर पौधारोपण भी किया गया। मैराथन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। इस दौरान मनी माजरा के पार्षद जगतार जग्गा भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। इस मैराथन में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेटर कनेक्टिविटी की योजना का संकल्प लिया। ट्राई सिटी में गर्मी का प्रकोप लगातार, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा पानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से गर्मी ने ट्राई, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड कप पर हमारी खास पेशकश के विराट। लोगों को दिन भर घर में रहना पड़ता है, सड़कें सुनसान पड़ गई हैं। दोपहिया वाहन चलाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक मुंह कपड़े से ढककर वाहन चलाने को मजबूर है। पैदल चलने वाले भी अधिकतर लोग घर से बाहर छतरी लेकर निकलते हैं। वहीं मौसम गर्म होने के चलते सुखना लेक पर भी लोगों की कम भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं गर्मी के इस मौसम के बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। हाँ जी सर, अब इतने दिनों से गर्मी बढ़ती जा रही है तो यूँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिले कि जहाँ हम अपना जाके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सके। इसी वजह से हम थोड़ा तो अपना काम से भी आए थे, सोच रहे थे यहाँ सुखना लेक पे आके थोड़ा सा और अच्छा महसूस करें, तो कुछ तो राहत मिल ही रही है सर। जहाँ से गुजरे और जहाँ थोड़ी सी हमें राहत महसूस हुई है और पेड़ पौधे देख के झील के किनारे
इसमें तो काफ़ी राहत मिली है वहाँ से रास्ते में आने, और बड़ा खूबसूरत अच्छा है चंडीगढ़ जैसे शहर तो हमारे हिंदुस्तान में भी कहीं मिलेगा, मुझे तो लगता है वर्ल्ड में भी मिलेगा। दूसरा यह है कि यहाँ के जो भी लोग आते हैं टूरिस्ट, उनको साफ सफाई का ध्यान रखना है। जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून सिटी ब्यूटीफुल में दस्तक देने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मॉनसून आने में एक महीने से ज्यादा का समय लगेगा। मॉनसून अभी अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। उम्मीद है कि 7 जून तक मौसम केरल के तटीय इलाकों में पहुंच जाएगा। शहरवासियों के लिए राहत की बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस पूरे सप्ताह आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। पश्चिमी विक्षोभ और प्री मॉनसून की बारिश में अंतर है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश सामान्य होती है, लेकिन प्री मॉनसून की बारिश अपने साथ तेज तूफान लेकर मॉनसून आने की सूचना देती है। प्री मॉनसून की बारिश जून के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना जताई जा रही है। सोमवार शाम आए तूफान ने लोगों को गर्मी से भले ही राहत दी हो, लेकिन वे अपने साथ तबाही लेकर आया। इसी बीच मौसम विभाग ने 48 से 72 घंटे के बीच एक और तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस तूफान की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तूफान का असर ट्राई सिटी के कुछ हिस्सों में हो सकता है। धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इससे तापमान में भी असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि सोमवार शाम को आए तूफान से रात के तापमान में काफी असर पड़ा। मौसम विभाग ने बताया है कि ट्राई सिटी में एक और तूफान आ सकता है, इसकी तीव्रता भी अधिक रहने वाली है, इसीलिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया। 72 घंटे के बाद फिर से तापमान के चढ़ने के आसार हैं। अभी पिछले तूफान के नुकसान से ट्राई सिटी ठीक से उभर भी नहीं पाया था, वहीं दूसरे तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस चेतावनी से बचने के लिए क्या कदम उठाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए ट्राई सिटी।